हिंदी सिनेमा में अपनी आवाज का जादू चलाने वाले मोहम्मद रफी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को हुआ था। वो 6 बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। खबरों की माने तो उनके परिवार का गायकी से कोई रिश्ता नहीं था। उन्होंने एक फकीर से गाने का ट्रेनिंग ली थी। जब वो बॉलीवुड में आए तो उन्हें म्यूजिक कंपोजर नौशाद ने काफी सपोर्ट किया। रफी साहब से जुड़ा एक किस्सा काफी मशहूर था कि एक बार वो अपने करियर की शुरुआत में गाने गाने के लिए स्टूडियो पहुंचे, जिसके बाद वो स्टूडियो के बाहर ही खड़े हो गए थे। तब नौशाद ने उनसे पूछा कि घर क्यों नहीं जाते, स्टूडियो बंद हो गया, कल आना। उनकी बात सुनकर रफी ने कहा, जाऊंगा तो कल वापस आने के लिए पैसे लगेंगे, इसलिए नहीं जा रहा। तो नौशाद ने कहा, तो बोलकर किराया मांग लेते, जिस पर रफी साहब ने जवाब दिया कि अभी तो काम भी नहीं किया, तो काम का मेहनत आना कैसे मांग लूं। रफी की ये बात सुनकर नौशाद भावुक हो गए, जिसके बाद दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई। आखिरी दम तक दोनों का साथ बना रहा।